वकार ने आफरीन का फोन ले लिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी परेशान करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बर्दाश्त कर रहे हो तुम लोग उसको। वकार छोड़ क्यों नहीं देता उसको? ममानी की कसम की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते। मॉम, नेहा की कॉल आई थी, वो मुझे मिलना चाहती है। भाई, आपने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे ख्वाब सच होने वाले हैं। शायद नहीं, इंशाल्लाह। पता नहीं मॉम उसने मेरे से क्या बात करनी है। अरे भाई, तुम्हारे और अपने बारे में बात करेगी ना, वरना इस तरह से फोन करके बुलाने का क्या मकसद हो सकता है? रानिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मॉम और नेहा को कन्विंस किया था इसके लिए। भाई, मैंने ये सब कुछ आपकी खुशी के लिए किया है। आपको अपसेट नहीं देख सकती हूँ ना। वैसे मॉम, अगर नीनू मान जाती है रिश्ते के लिए तो हम जल्दी से भाई का निकाह करवा देंगे। खुदा ना खास्ता कहीं नीनू अपना इरादा ना बदल दे। अल्लाह ना करे कि मेरे बेटे की खुशियां बीच रास्ते से लौटें। आमीन। लेकिन भाभी और वकार का क्या, वो लोग मान जाएंगे? क्योंकि जब मैंने रिश्ता दिया था तो वकार और भाभी बहुत खिलाफ थे इस रिश्ते के। देखिए, अगर नीनू मान गई है तो वो सब भी मान जाएंगे। इंशाल्लाह। आमीन।